अगर आप 100 सीसी की या 110 सीसी की बाइक खरीदना चाहते हैं ज़्यादा माइलेज के लिए और बेहतर पिकअप के लिए, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने स्प्लेंडर प्लस BS6 की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्प्लेंडर प्लस में कुछ बदलाव होकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल वो स्प्लेंडर तो नहीं आई है, लेकिन जो आपने स्प्लेंडर प्लस आई स्मार्ट 110 सीसी देखी थी वो BS6 के साथ आ रही है। अब जैसे कि BS6 आ रही है तो आप लोग सोचेंगे थोड़ा बहुत बदला हुआ होगा। थोड़ा बहुत बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्प्लेंडर प्लस आई स्मार्ट 110 सीसी जो इनकी बाइक आती थी वो पहले कार्बोरेटेड मॉडल में आती थी और BS4 तक तो वो बाइक आई थी, और सबसे पहले BS4 वही बाइक आई थी। तो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि क्या क्या इसके अंदर बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। आपने जो पुरानी वाली आई स्मार्ट 110 सीसी देखी थी उसका इंजन अलग था, और इसके इंजन में बदलाव क्या हुआ है, अगर आप पुरानी वाली 110 सीसी आई स्मार्ट को देखेंगे तो उसका हेड अलग है और इसमें हेड ही पूरा चेंज कर दिया गया है, इसमें हेड अलग टाइप का लगाया गया है। तो ये हो गया पहला बदलाव। दूसरा बदलाव इसके क्लच कवर के पास आप देखेंगे ऑयल फिल्टर के लिए लगाया गया है, इसमें ऑयल फिल्टर भी लग गया है। तो कहने का मतलब इसके अंदर काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो और साथ में इसके अंदर दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है। पहले ये कार्बोरेटेड मॉडल आती थी, और जब अब इसी टाइम में आपको माइलेज भी बता देता हूँ, जब ये 110 सीसी आती थी ओल्ड मॉडल में तो वहाँ पर लगभग इसकी माइलेज 60 थी। अब जब इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन लग जाएगा तो आप मान के चलें 60-65 पहले देती थी, अब ये आपको हो सकता है 80-85 तक की माइलेज दे सकती है, 75-85 तक की माइलेज तो ये दे ही सकती है क्योंकि ये 110 सीसी की बाइक है। तो यहाँ पर माइलेज में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। हाँ, मैं इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता हूँ कि जो आपने ग्लैमर FI में जो माइलेज बताने वाला मीटर आपने देखा है, जो माइलेज वो बताती रहती है, हो सकता है इसके अंदर मिले या नहीं मिले, ये मैं अभी आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन तो मिलेगा। और बड़े बदलाव की बात की जाए तो इसके अंदर लेग गार्ड के पास कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है जिससे ये प्रदूषण कम कर सके। अब इतने बड़े बदलाव हुए हैं, साथ में जैसे स्टिकर चेंज रहेंगे, इंडिकेटर चेंज रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज रहेंगे, अब इससे बहुत बड़े बदलाव जो बॉडी में स्टिकर चेंज हो जाएंगे तो इससे थोड़ी सी बाइक नहीं हो जाएगी, लेकिन इंजन में कंपनी ने बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे कि ये BS6 हो गई है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन लग गया है, तो ये बाइक आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, वैसे ये लगभग 70,000 के अंदर ही आती थी, 65 से 70 के बीच में आती थी, अब इसके अंदर लगभग 8,000 या 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का जैसे कि बढ़ सकती है इसकी प्राइस, नहीं तो आप मान के चलें 5 से 8,000 रुपये बढ़ सकती है। अब आप पूछेंगे कि लगभग कितने की आएगी, ये मान के चलें कि आप 70 से 80 के बीच में मिल सकती है, आपको लगभग 75 तक की ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बदलाव में आपको फ़ायदा क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो का, मैं आपको बता दूँ, फ्यूल इंजेक्शन आने से आपको बहुत ही ज़्यादा माइलेज मिलेगी। अगर आप बाइक तेज़ चलाएंगे तब भी आपको माइलेज आपको बाइक ज़्यादा देगी, साथ में आपको बार बार पेट्रोल नहीं बंद करना पड़ेगा, आपको बार बार माइलेज सेट नहीं करवानी पड़ेगी, ये सारी खूबियां इसके अंदर होगी। साथ में ये प्रदूषण कम करेगी क्योंकि ये BS6 होगी और इसके अंदर इंजन में बदलाव है, तो अब पिकअप भी और ज्यादा इसके अंदर बढ़ सकता है और ज्यादा स्मूथ चल सकती है। तो इस बाइक के अंदर जब बदलाव हो गए हैं दोस्तों, तो आने वाली स्प्लेंडर प्लस या पैशन प्रो या पैशन एक्स प्रो, इन सब में बदलाव आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बाइक आएगी कब तक, तो दोस्तों दिसंबर तक आपको लगभग सभी शोरूमों में यह बाइक दिख जाएगी, हो सकता है जनवरी तक इसकी डिलीवरी होनी शुरू हो जाए। तो अगर आपने दीपावली या तेरस पर बाइक नहीं खरीदी है तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ले ही लें, लेकिन आप इंतजार कर लें दोस्तों, और इंतजार करने के बाद अगर ये बाइक आएगी तो मैं जल्दी ही इसकी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आप किसी भी शोरूम पर देख के और टेस्ट राइड करके इसको खरीद सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होगी, और मैं आपको ये भी बता दूँ आने वाला टाइम फ्यूल इंजेक्शन का ही है, इसलिए आप डरे ना। अगर बाइक आ रही है तो चला के देखने के बाद, टेस्ट राइड लेने के बाद आप इस बाइक को खरीदेंगे तो आपको माइलेज, पावर, पिकअप और इसमें स्मूथनेस, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन लगा है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो मेरी इस वीडियो से क्या आप खुश हुए या नहीं खुश हुए, मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी कमाल की चीज़ है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी चलेगी ये बाइक। अब आप लोग खुश हुए या नहीं खुश हुए इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा 100% ईमानदारी से सारी चीज़ें सही बताई है, जो बताई है वही निकलेगा, आप लोग ज़रूर देखेंगे। जब आएंगे आगे वीडियो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी खुश हुए हैं, मैं आपसे पूरे की नहीं कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा बहुत भी खुश हुए हैं हमारी इस वीडियो से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपकी इच्छा है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।